हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई, वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा है जी भाई चिकन छुक्का। तो भाई, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई, ये जो चिकन है ना, ये केवल लेग और थाई पीसेस है, जो कि एक किलो के करीब नहीं, एक किलो ही है, ठीक है जी। इसमें डाल रहा हूँ जी मैं पांच प्याज को, मैंने फ्राई किया पांच प्याजों को, सॉरी, ठीक है जी। ये कोई निक्के मोटे पांच प्याज से उनको मैंने फ्राई किया है। 10-15 कड़ी के पत्ते भी डाल दो जी। 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच भाई धनिया का पाउडर, 1.5 चम्मच भाई ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला, ये रेडीमेड गरम मसाला है जी भाई, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला, रेडीमेड मसाला कोई भी, 4 छोटी इलायचियां, 1 दालचीनी, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट भाई कूटा हुआ। तो जी, इन सबको इज्जत से मिला। अब भाई नमक डालना तो भूल गए भाई, नमक स्वाद अनुसार। तो मिला मुलूलो जी चंगी तरह से, चंगी तरह मिला दो, ठीक है जी। तो जी, मैरिनेशन हो गई है जी, इसे करीब आधे घंटे के लिए आप रेस्ट दे दो, ठीक है जी। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, करते हैं जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, कढ़ाई मैंने लगा दी है जी, वही कढ़ाई है जिसमें मैंने अपने प्याज जो है वो फ्राई किए थे, ब्राउन किए थे। अब थोड़ा तेल कम कर दिया, करीब अब 10 टेबलस्पून रह गए होंगे, ठीक है। तो जी, इसमें हम डालेंगे जी भाई 10-15 कड़ी के पत्ते, फिर से डाल दो, इसको थोड़ा भून लो। तो जी, अब डालेंगे हम इसमें इज्जत से भाई चिकन, ठीक है जी, डाल दूंगी सारे का सारा। अगर आपकी इच्छा हो तेल ज्यादा रखने की तो आप तेल ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो जी, इसको थोड़ी देर के लिए ना हाई फ्लेम पे अब थोड़ा फ्राई कर लो आप। तो जी, कड़छी चलाते चलाते मैंने करीब इसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया जी, ठीक है जी। तो करना कुछ नहीं है जी, इसमें थोड़ा सा हमने पानी मिला देना है, हल्का सा बस। तो इसे अब दोबारा से हाई फ्लेम पे ही इसी के साथ को फ्राई करेंगे, इस पानी के साथ, जब तक ये जो पानी है एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा? एब्जॉर्ब। ध्यान रहे कि जब आप फ्राई कर रहे हो, मैं शायद बताना भूल गया आपको, आपको कड़छी चलाते रहना है, कड़छी चलाते चलाते आपको वो फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है ना। और अभी भी आपने पानी मिला के इसको कड़छी चलाते चलाते ही फ्राई करना है, ठीक है। और हर एक मिनट के बाद ना आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहिएगा, ठीक है, ताकि जो इसका जो मसाला है वो इस चिकन के भीतर जाए और हमको अच्छा फ्लेवर दे। तो जी, करीब 2 से 3 बार मैंने इसमें पानी डाला, ठीक है जी, हर एक इंटरवल पे, और इसको मैंने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका हुआ है, ठीक है, मैंने 3 बार यूज किया। अब करना कुछ नहीं है जी, हाँ, अब इसे क्या करना है, अब आपने गैस का फ्लेम लो करना है, इस पे ढक्कन रखना है और करीब 15 मिनट तक इसको अपने लो फ्लेम पे पकाना है। तो दोस्तों भाई, 15 नहीं, पूरे 25 मिनट हो जी। 15 मिनट पे आया था तो देखा जी गला नहीं है, ठीक है जी। हो, क्या रंगत आई है, क्या रंगत आई है जी, ठीक है जी। अब करना क्या है, देखो अभी ग्रेवी कितनी है इसकी, इतनी है ना, इतनी हाई फ्लेम कर लो, ठीक है, और इसे हल्का फुल्का शॉर्ट कर लो जितना आपकी इच्छा हो। तो मैं भी अपने अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों भाई, काफी शॉर्ट मैंने कर ली भाई, कैमरे में बाप भी आ रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको इतमान से बाद में दिखाएंगे। तो लो जी, बनके तैयार ही करते हैं जी, अब टेस्ट है, चलो। तो लो दोस्तों, बनके तैयार हो गया जी अपना भाई चिकन चुक्का। चिकन चुक्का जो बना वो ऐसा बना कि हाथ से गिर गया यार, समझे। तो ये आपके सामने है जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। मेरा मूड बहुत ख़राब है, बहुत ही, ये जो बचा हुआ है ये मैंने अपने घर वालों के लिए बचा के रखा था, ठीक है ना, समझे मेरी बात। आप ग्रेवी सारी गिर गई मुझसे, जो भी जो चिपकी चुकी ग्रेवी थी वो सब गिर गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बट टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस पर मेहनत की है, और ये रेसिपी मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि क्या ही बताऊँ मैं आपसे। अब पता नहीं मेरे एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, पहले हम ग्रेवी चेक करेंगे भाई ग्रेवी कैसी है इसकी। हाँ भाई, पर टेक्चर देखो, मेरा टेक्चर टेक्चर क्या दिखाऊँ यार, इसमें बचा ही गया है देखो, लेकिन है सही है यार। हाँ, और टेस्ट करते हैं यार, आओ आओ। वो चंद पल के दुख ने, इसके टेस्ट ने उसको सुख में चेंज कर दिया यार। बताता हूँ। गजब है, गजब।
और ये आज बड़े दुखी मन से जबरान सा बोल रहा हूँ, जबरान सा यार, इतना फ्लेवरफुल है, इतनी प्यारी रेसिपी है, क्या बताऊँ मैं आपसे। ये साउथ की रेसिपी है, मैंगलोरियन रेसिपी है, बहुत प्यारी रेसिपी है, ठीक है, मतलब कि स्वाद है खाने का यार, मज़ा है खाने का, मज़ा। मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ उस टाइम पे, क्योंकि और जब मैं छोड़ो वट एवर यार, आओ भाई आओ, अब लेग पीस देखेंगे, लेग पीस कैसा इसका। पहले मैंने डिले किया, मैं कहा ना मैं छोड़ दे यार, अब मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, मैं कहा नहीं यार बहुत मेहनत की होती है। तो आओ भाई, ये लेग पीस देखो कैसे मसाला चिपका हुआ है, जो ग्रेवी गिरी थी वो बड़ी चिपकी हुई ग्रेवी थी यार। ओह यार, मैं बताऊंगा आपको इसमें टेस्ट किस किस का आ रहा है। मे भी शायद मूड अच्छा ना हो, अच्छा मे भी मूड अच्छा ना होने के कारण मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ प्रॉपरली, बट करूंगा, कोशिश करूंगा यार। ओह इस रेसिपी की जो यूएसपी है वो है जी ब्राउन प्याज। इसमें कूट कूट के आपको ब्राउन प्याज का इतना मीठा स्वाद आएगा, इतना प्यारा स्वाद आएगा। स्पाइसेस जो मिक्सअप होती हैं इन ब्राउन प्याज के साथ में, देखो बोलम जा रहा जी यार, यार क्या फ्लेवर देंगे आपको। यह रेसिपी आप जरूर ट्राई करना, पक्का ट्राई करना भाई करने पे, ठीक है, वो गजब रेसिपी है यार। वो मालूम है जो मैंने अभी वो जो लास्ट रेसिपी बनाई थी वो दाल मीट, यार वो टेस्ट मैं अभी भी नहीं भूल पा रहा हूँ, क्या कह रेसिपी थी यार, वो मज़ा आया खाने का। मालूम नहीं बाकी लोगों ने इन्जॉय किया नहीं किया, बट मेरे तो बड़ा मज़ा आया भाई, वो जबरानजा है, ठीक है, नहीं ये भी जबरानजा आज मैं पक्का ट्राई करूँगा कि जो चिकन में बनाकर, कि चिकन में कैसा फ्लेवर आएगा उसका, मतलब मटन में जब इतना गजब आया हुआ है तो हम देखेंगे चिकन क्या रिएक्ट करेगा उसके साथ में। और ये रेसिपी मैं मटन के साथ 100% ट्राई करूंगा, बिना गिराए, बिना गिराए, और पोटे के साथ भी, पोटा बड़ा फैन क्लब, ये पोटे के साथ मैं रेसिपी पक्का ट्राई करूंगा, श्योर है यार। तो भाई बाकी बात रही जी इसकी टेस्ट की, ठीक है, टेस्ट बहुत गजब है, बट जो इसकी अथेंटिसिटी है, जो इसका टेस्ट है, जो मैंगलोरियन इसे बनाते हैं जी अपने वे में, भाई सबसे पहले तो मेरे साउथ के सब भाइयों को बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत प्यारी रेसिपी है। वो इसे बेसिकली बनाते हैं जी कोकोनट ऑयल में, समझे मेरी बात को आप, कोकोनट ऑयल में, तो उसमें टेस्ट ऑफ डिफरेंस आएगा ना यार, हाँ, पर कोई ना, ये भी बड़ा गजब है यार। आज तो मतलब कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो चलो भाई, टेस्ट भी हो गया, मज़ा आया, आज शायद मज़ा नहीं आपको आया जैसे मुझे मज़ा नहीं आ रहा, कोई नहीं, किंग को लेके आते हैं यार, किंग छटपटा रहा, जितना बचा हुआ खा लेंगे अपने से। तो लो जी भाई, किंग की एंट्री हो चुकी है आज, किंग तो वाकई में अच्छा था यार, अच्छा बना था यार, देखो यार, है ना, बट कोई नहीं, हम मटन में इसको ट्राई करके टेस्ट करेंगे। हाँ चलो आओ यार, आज कैसा लग रहा हूँ मैं बोलते हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, आओ यार, ग्रेवी है बेसिकली क्या है कि ये जो रेसिपी ना ये बनी मेरे को लगता है नान नून के लिए, रुमाली रोटी के लिए, देखो ना ग्रेवी कितनी मोटी मोटी होती है यार, स्वाद आता है यार खाने का यार, सच में कह रहा हूँ, मज़ेदार रेसिपी है यार। आओ भाई पहली बाइट लेते हैं यार, आओ भाई आया, ओए हो, किंग के साथ तो बड़ा मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया, सच में कह रहा हूँ, कहर मज़ा आया। और किंग के साथ खाने पे क्या हुआ, जो मैंने वो इलायची डाली ना, इलायची और दालचीनी, उसका फ्लेवर जैसे बाहर आ गया यार, अपने आप रिएक्शन करता ना, हाँ किंग गरम मसाले का टेस्ट आ गया, बड़ा स्वाद है यार काली। अच्छा अच्छा ये बताना तो भूल गया भाई, भाई अगर ब्राउन प्याज इसकी रेसिपी, ये यूएसपी है, ठीक है, बट कड़ी पत्ता को नहीं बोलना, उसको अहम नहीं लेना आप भाई, कड़ी पत्ता बहुत अहम रोल अदा करता है इस रेसिपी में, वो भी फ्लेवर देता है इसके अंदर, ये ध्यान रहे चीज़ का। अच्छा यार, बाकी मेरे बड़े भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया आप धनिया क्यों नहीं यूज़ करते हो, हरा धनिया क्यों नहीं यूज़ करते हो, लास्ट में डालते हो उनके ऊपर। भाई देखो उसका रीज़न है, मैं हरा धनिया इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ, जब मैं कोई रेसिपी बनाता हूँ ना तो मैं उसके एक्चुअल टेस्ट को फील करता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ, उसको आपको उसको ब्रीफ करता हूँ, है ना। अगर मैं धनिया डालूंगा ना तो धनिया टेस्ट को पूरा चेंज कर देता है, तहसीर चेंज कर देता है पूरा चेंज यार, वो तो किसी बेकार सब्जी को भी बढ़िया बना दे यार। तो फिर आप एक्चुअल जो फ्लेवर होगा उस रेसिपी का, वो उसको कैसे आप महसूस करोगे, उसको कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यार। ये रीज़न है कि मैं धनिया क्यों नहीं डालता,
सब्जियों के ऊपर जो मैं रेसिपीज आपके लिए बनाता हूँ, समझे मेरी बात अब। तो दोस्तों चलो कोई नहीं, होता है कोई कोई दिन ऐसा, ठीक है नहीं, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।